स्वागत है बटू दर्पण न्यूज़ में कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा का, और ये बता रहे हैं हमें 13 अप्रैल को शहीद जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों के याद में आयोजित कार्यक्रम के बारे में हमें बताएंगे। हाँ जी जालवाल साहब, आपका बटू दर्पण न्यूज से है ना, जो चैनल से आपने जो हमें मौका दिया, इस पर आपका बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद करते हैं। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, वो हत्याकांड है, वो लड़ने वाले लोग जो अपने अधिकारों के लिए, देश की आजादी के लिए जो लड़ रहे थे, वो एक शहीदी दिवस है। और उस टाइम की आजादी के लिए जो लड़े वो शहीद हुए, उन शहीदों को आज याद करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश के का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था और हमें जो इसी संविधान की आजादी दी गई थी, और वो आजादी आज ना ऐसा लगता है कि वो खतरे में है, उस आजादी को बचाए रखना इसलिए भी बड़ा जरूरी हो चुका है। तो इसलिए आज उन शहीदों को याद करना, जलियांवाला बाग को याद करना, उन कायरों को जो जिन्होंने बेरहमी से ना वहां जो हत्याकांड किया था, आज उनकी बड़ी जरूरत है, क्योंकि देश की आजादी को बचाने का सवाल है, दूसरी जंग की आजादी की लड़ाई है, उस आजादी को बचाने के लिए आज हम उन शहीदों को बड़े नमन दिल से याद कर रहे हैं। उसका जो शहीदी दिवस है वो 13 तारीख को हम अग्रवाल धर्मशाला के अंदर सभी जन संगठनों की ओर से, संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान है किसानों का, उसका भी ये आह्वान है कि भी आजादी के अंदर जो शहीद हुए उन शहीदों को बड़े लार्ज स्केल पर मनाया जाए। भट्टू कला के अंदर भी हम मनाएंगे, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा, नौजवान सभा, विद्यार्थियों के संगठन और भी जन मोर्चा के जो संगठन है, उनका, सिट्टू के जो साथी है, उन सबको साथ लेकर के हम इन शहीदों के शहीदी दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएंगे। उसकी तैयारियां चल भी रही है, लगभग हमने वो पूरी भी कर ली है। इसलिए उस आंदोलन के साथ जोड़ते हुए भारत का संविधान बचाने की जो बात है, भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिए थे, उन अधिकारों पर भी आज डाका डाला जा रहा है। उन अधिकारों को बचाने के लिए, उन अधिकारों के अंदर जो आम नागरिकों को जो सुविधाएं दी थी, जिसमें आजादी, बोलने की आजादी है, अपनी बात रहने के रखने की आजादी है, जो जीवन से जुड़ी हुई चीजें है ना उनकी आजादी है, वो आजादी धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन पर खतरा मंडरा चुका है। इसलिए शहीदों को याद करते हुए, भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए, भारत को, संविधान को कैसे बचाया जा सके, इस बात की लड़ाई को और तीखा कैसा करते हुए, इसके लिए कन्वेंशन की जा रही है। तो इसको लेकर के क्या क्या तैयारियां की हमने गांव-गांव में ना, करीब ना जो भट्टू इलाके के जो गांव है, उन सभी गांवों से किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को, कर्मचारियों को ये संदेश भी दिया है, और ये तैयारी हमने लगभग पूरी भी कर ली है। उसमें ना सैकड़ों जो साथी किसान है ना, वो इसमें हिस्सा लेंगे, और इस लड़ाई को हम, इस कन्वेंशन को मनाते हुए, इस लड़ाई को और आगे, जैसे भी है ना, अभी है ना, हमारे जो अधिकारों को, जो आंदोलन के अधिकार है, बोलने के है, जो आजादी के अधिकार है, जो किसानों के आंदोलन अब चले हुए है, इसके ऊपर जो जिस प्रकार के जन बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, समाज सेवी है, और जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उनके खिलाफ कैसे है ना कानून बना करके, और वो उनकी प्रॉपर्टी को हाईजैक करने की जो योजना है, सरकार ने जो कानून लेके आई है, उनके खिलाफ भी ये आंदोलन, ये जो शहीदों के दिवस है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे को जानकारी दी कॉमरेड विष्णुदत्त शर्मा जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद जी पत्रकार साहब आपका।